जिस तरह पाकिस्तान को उन्होंने टफ टाइम दिया था, तो इतना टफ टाइम उनको हिंदुस्तान को देना चाहिए था, वो उन्होंने दिया नहीं. So that raises a lot of questions for me. आज अफगानिस्तान अपने पोटेंशियल के मुताबिक खेला ही नहीं. ये टेंट नहीं था यहाँ पे. देखें शाहजहा, पहली बात तो है कि मुझे सिलेक्शन की समझ नहीं आई. मुजीब नहीं खेले आज. What is the reason? एक चीज नबी ने एक ओवर किया एक चीज, फिर वो एक और लेफ्ट आर्म जो थे स्पिनर उन्होंने किया एक ओवर में 16 दे दिया, उसके बाद बॉलिंग नहीं कराई. मुझे सिलेक्शन बड़ी अजीब और डाइसी से लगी. दूसरी बात मुझे ये समझ नहीं आई कि अफगानिस्तान ने किस तरह बॉलिंग चेंजेस की है, किस तरह खिलाया है, किस तरह किया है. और जिस तरह पाकिस्तान को उन्होंने टफ टाइम दिया था, तो इतना टफ टाइम उनको हिंदुस्तान को भी देना चाहिए था, वो उन्होंने दिया नहीं. सो दैट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर मी. सो आई एम बिट शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि दे वर नेवर इन द गेम. सो इंडिया अच्छा खेलना था, वर्ल्ड क्लास टीम है, वर्ल्ड क्लास तो पाकिस्तान भी टीम थी. तो इतना उन्होंने मुकाबला दिया जितना हम एंटीसिपेट कर रहे थे. सो दैट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर मी. देखें आप मुजीब को खिलाते ना, मुजीब ने क्यों नहीं खेला, मुझे तो ये समझ नहीं आई. वो अगर नबी स्टार्ट कर रहे थे, आप मुजीब आते पहले 6 ओवर पहले दायरे में प्रेशर डालते, फिर उसके इन बिटवीन जो उनके थोड़े से हल्के बॉलर हैं वो आके बॉलिंग करते और थोड़ा बहुत जो उनको मार्जिन मिलता था इंडिया को वो मिल जाता. लेकिन फिर राशिद आ जाते, फिर नबी आ जाते और नबी का एक ओवर करना मेरी समझ से बिल्कुल बराबर है. मुझे समझ नहीं आई क्यों उन्होंने एक ओवर किया. वो अपना 3 वो करते, राशिद 4 करते, 7 ओवर तो ये थे, मुजीब होते 4 वो करते, तो वो भी शायद देखे ना 12 ओवर तो यही बनते हैं. तो 12 ओवर में मैं तो एंटीसिपेट कर रहा था 150 में बताते, लेकिन बॉलिंग इतनी वीक थी, इतनी वेवर थी कि इंडिया को बड़ा फ्री हैंड मिला मारने का और खेलने का, और उसका मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि अफगानिस्तान इतना बुरा. मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि देखिए जी, इंडिया के बाहर निकलने का मतलब है कि अरबों रुपए का नुकसान. तो मैं नहीं समझता कि वो आखिरी दम तक कोशिश करेंगे किसी ना बाय हुक और बाय क्रूक कि वो उनको सेमीफाइनल में लेके आए. आज अफगानिस्तान अपने पोटेंशियल के मुताबिक खेला ही नहीं. उनकी बॉलिंग इतनी पैथेटिक थी, वो हो सकता है सबको समझ रहे हैं कि बहुत बेहतर किए. मुझे अजीब सा लग रहा था कि शॉर्ट बॉलिंग किए जा रहे थे, सामने सामने गेंदें दिए जा रहे थे. आई एम रियली सरप्राइज. तो खैर असल मैच रीजंस भी हैं. जरा आपको एक स्क्रीनशॉट की सूरत में दिखाते हैं कि ट्विटर पर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो कुछ टॉप ट्विटर के ट्रेंड्स हैं वो आप देखिए क्या है. पहला ट्रेंड है फिक्स्ड मैच, दूसरा ट्रेंड है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, तीसरा ट्रेंड है राशिद खान, और उसके बाद फिर आगे अगर हम दिखा सके तो जनाब यूनुस भाई क्या आपको भी इंटेंट वाले मसाइल लगे? इंटेंट नहीं था यहाँ पे, और हाँ. सिर्फ ये पाकिस्तानी बात कर रहे होंगे, हम सब हाँ. बात कर रहे होंगे, सारी दुनिया में बातें हो रही होंगी. सही, पाकिस्तान के खिलाफ 24 रन दिया आसिफ ने, उसने एक ओवर में 7 रन और 1 विकेट ली हुई है. सही है. अच्छा, जिन दो बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की उन्होंने ज्यादा बॉलिंग नहीं की, जिनको मार पड़ी वो सारे पूरे पूरे ओवर किए उन्होंने. अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले बैटिंग की, सारे मैचेस में नामीबिया के खिलाफ पहले बैटिंग की, इस मैच में नहीं की, स्कॉटलैंड के खिलाफ पहले बैटिंग की, आज के मैच में टॉस जीत के उन्होंने फील्डिंग की. लेकिन कुछ चीजें ऐसी आती हैं, देखें शको शुबात जो होने लग जाते हैं ना, जो लोग बातें करते हैं, लोग सोशल मीडिया में बेवकूफ भी हैं लेकिन अकलमंद भी बहुत हैं.